नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि गैलरी एप्लीकेशन के न्यू अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका वर्जन चेक करा देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लिक करना है, उसका ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन है 2.2.16.3 ग्लोबल और एक और वर्जन आया 2.2.16.3 जो कि दोस्तों कल ही आया है, 3 तारीख का अपडेट है। और ये जो अपडेट है 2-3 दिन पहले का है, मतलब ग्लोबली 2-3 दिन पहले लॉन्च हो गया, मगर इंडिया के लिए जो है वो लॉन्च हुआ आपको 3 तारीख को, मतलब कि कल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको क्या बग देखने को मिलता है, क्या फीचर देखने को मिलता है, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सारा देखने को बताने वाला हूँ। और जो भी प्रॉब्लम है उसे किस तरह से फिक्स करना है, किस तरह से यूज़ करना है आपको, वो भी बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको कैसे ठीक करना है प्रॉब्लम वो तो बताऊंगा, और साथ ही साथ न्यू फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इस न्यू अपडेट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों का हो रहा है कि ये अपडेट करने के बाद ये मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइस में हो रहा है कि वर्क कर रहा है, मगर दोस्तों बहुत सारे डिवाइस में ऐसा हो रहा है कि वर्क नहीं कर रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद अनलॉक जैसे ही आप करेंगे आप इसे, उसके बाद ये क्लोज हो जा रहा है। ये बोल रहा है कि मतलब देख सकते हैं गैलरी कीप्स स्टॉपिंग, और रिपोर्ट करने बोल रहा है, मतलब कि डेवलपर को रिपोर्ट करो ताकि इसमें कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है। मतलब ये कितना बार भी आप ट्राई कर लीजिए ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मतलब 2-3 को लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आपको इसका भी लिंक दूंगा और मतलब पुराने वर्जन का भी दूंगा। तो आपको करना क्या, सब डाउनलोड कर लेना, ट्राई करना। अगर आपको ये इंस्टॉल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मतलब इंस्टॉल हो जाता है तो मतलब होने के बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके बाद आपको वीडियो में सोल्यूशन मिल ही जाएगा, और उसके बाद सारा लिंक पहले आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से वही काम करना है कि इसका गैलरी को लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि क्लियर कैचेड डेटा है, ऐसे क्लियर कर देना है। उसके बाद जाकर चेक करना है, अगर ओपन हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट कर देना होगा, ठीक है। अनइंस्टॉल अपडेट कर दोगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है वही आपका हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट है 2.2.15 ग्लोबल, ये डिफ़ॉल्ट है, अब अनइंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ पहले से हो जाएगा, उसका थोड़ा 2-3 मिनट लगेगा, उसके बाद आपका जितना फोटोज है सारा यहाँ पर शो करने लगेगा, सारा पहले से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो मैं जो डाउनलोड करवाऊँगा मतलब लिंक से, उसके बाद आपको करना क्या, एक मिनट में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आपको जो डाउनलोड करवाऊँगा पुराना वर्जन का होगा, जिसका कि वर्जन हो सकता है 2.2.16.1, ठीक है, वो वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसमें आपको दोस्तों 100% वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ कि मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है, डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्जन मैंने डाउनलोड कर रखा है, 2.2.16.3, 2.2.16.3 ग्लोबल और 2.2.16.1। तो दोस्तों आपको ये दोनों वाला मेरा में वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये वाला इंस्टॉल करना है, और आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाला इंस्टॉल रहेगा तो उसके बाद अनइंस्टॉल अपडेट करना है, उसके बाद ही आपको इसको इंस्टॉल करना, तभी इंस्टॉल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। लिखा जाएगा ऐप नॉट इंस्टॉल, तो पहले अनइंस्टॉल अपडेट करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल होने के बाद जो जो प्रोसेस होता है वो तो आपको पता ही है, उसके बाद आपको सारा यहाँ पर मतलब देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यही नहीं, अपडेट से रिलेटेड ही नहीं, किसी में भी आपको कुछ बग होता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी एप्लीकेशन में या फिर गैलरी में, तो आपको कुछ भी होता है तो आपको वहाँ पर करना क्या है कि आपको इसी तरह से प्रोसेस करना, जिस तरह से प्रोसेस मैंने बताया, आपको अनइंस्टॉल अपडेट करना है। और अगर अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आपको अपडेट कर लेना किसी और वर्जन में, तो आपको वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू फीचर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से आप इसको मतलब इधर उधर कर सकते हैं। न्यू फीचर्स भी आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है, यहाँ पर डस्टबिन का न्यू ऑप्शन देखने को मिल गया है। यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा यहाँ पर जो आइकॉन्स था उसे गायब कर दिया गया, हो सकता है कोई हो सकता है नेक्स्ट बग में उसे वापस से ऐड कर दिया जाए। तो देख सकते हैं मैंने आपको बताया था 2-3 मिनट में धीरे धीरे सारा फोटो आ जाएगा, तो फोटोस यहाँ पर आना शुरू हो गया, सारा फीचर आपको देख सकते हैं। और इसको आप यहाँ से चाहे तो उठा के आप इधर उधर भी कर सकते हैं अपने चाहे तो,
बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर न्यू देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में भी आपको कुछ कुछ न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये MIUI 12 का गैलरी है, ठीक है। तो आपको ये गैलरी जो है MIUI 12 में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको अभी इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी टाइप की वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक तो करने मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।